गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड चैप्टर 5 द कैमल एंड द कार। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस पिक्चर्स। ये पिक्चर्स जो हैं वो एक स्टोरी बताती है हमें, एक रैबिट और टॉर्टोइस की, जिसमें कि हमें पता चलता है कि जो रैबिट होता है वो बहुत प्राउडी होता है, बहुत घमंड करता है, जो कि हमें नहीं करना चाहिए। तो सेम ऐसे ही जैसे ही रैबिट प्राउडी था, वैसे इसी बेस पे हम ये वाली स्टोरी भी पढ़ेंगे, जिसमें कि एक जो कार ड्राइवर होता है वो भी बहुत ज्यादा प्राउडी होता है, बहुत ज्यादा घमंडी होता है। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम उसी के बेस पे एक स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें कि तीन मेन कैरेक्टर्स है। फर्स्ट अली है, जो कि कैमल का ड्राइवर है, और कार है, और कार का जो ड्राइवर है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इट वॉज अ सनी डे इन द टाउन ऑफ अजीज। शॉपकीपर्स हैड सेट आउट लेमन्स एंड क्लोज टू सेल नियर द रोड। मीन्स जो टाउन अजीज था उस दिन क्या था, सनी डे था अजीज में। जो अजीज टाउन था उसमें सनी डे था, मौसम एकदम साफ था, सूरज निकला हुआ था। जो शॉपकीपर्स दुकानदार थे, उन्होंने दुकान के बाहर लेमन्स और क्लोथ्स बेचने के लिए निकाल दिए थे रोड पर। ओके, सडनली एकदम से प्रा प्रा केम अ नॉइजी कार डाउन द रोड। एकदम से बहुत ज्यादा आवाज करती हुई कार रोड पर निकली। दीज कार्स आर वंडरफुल थिंग्स, थॉट अली। जो अली कैरेक्टर है वो कहता है कि ये जो कार होती है बहुत ही वंडरफुल, बहुत ही सुंदर चीजें होती हैं। द कैमल ड्राइवर, अली कौन था जो कैमल को लेकर चल रहा था। एज ही लुक्ड एट द कार गो बाय, और उसने कार को देखा जो उसके पास से गुजर रही थी। ओके, दैट नाइट, उस रात क्या हुआ था, अली और उसका कैमल सुल्तान एंड द कार जो कार थी और उसका ड्राइवर था, रेस्टेड इन द सेम शेड, मतलब एक ही जगह पर रुके थे, एक ही छत के नीचे रुके थे। दे स्टार्टेड टॉकिंग एंड फाउंड दैट दे वर बोथ ट्रेवलिंग टू द टाउन और जिल्हा द नेक्स्ट डे। जब वो जो कैमल का जो मैन था जो कैमल को पकड़ रहा था और जो कार ड्राइवर था, कार थी, उस रात उन्होंने एक रात को उन्होंने क्या किया था, एक ही जगह रात मतलब गुजारी थी। तो उस समय बातें करते करते उन्हें क्या पता चला कि वो दोनों ही कहाँ, कौन से टाउन जाने वाले थे, जिलाह। अगले दिन जिलाह उन्हें पहुंचना था, ठीक है। तो जो कार का ड्राइवर होता है, क्या कहते हैं, कार जो होती है वो क्या कहती है, माई ड्राइवर एंड आई विल गेट देयर वेरी फास्ट, वी विल श्योरली बी फास्टर देन यू। मतलब वो कैमल को नीचा दिखाते हुए कहते हैं कि जो कार है और कार का ड्राइवर है वो बहुत जल्दी ही कहाँ पहुंच जाएंगे, जिलाह पहुंच जाएंगे। ऐसे मतलब गरजती हुई कार, एकदम गरजती हुई कहती है, बूस्टर्ड द कार एकदम गरजती हुई ये वर्ड्स कहती है। अब द नेक्स्ट डे इट वॉज सुल्तान एंड अली हु लेफ्ट फर्स्ट। अब अगला दिन होता है तो जो सुल्तान होता है और जो अली होता है, मतलब कैमल और अली जो होते हैं वो सबसे पहले निकलते हैं। दे ट्रेवल्ड थ्रू प्लेसेस ऑफ ड्राई रॉक्स एंड सैंड। कौन से रास्ते से होके गुजरते हैं, जहाँ पर ड्राई रॉक्स, बड़े बड़े पत्थर और रेत होती है, उस इलाके से निकलते हैं। एज द सन रोज हायर इन द स्काई, अब जो सूरज होता है वो एकदम हाई पे होता है अपनी, ठीक है, हाई पोजिशन पे होता है। इट बिकेम हॉटर, बहुत गर्मी होती है, एंड हॉटर मतलब गर्मी बढ़ती जाती है। सडनली एकदम से क्या होता है, दे हर्ड बिहाइंड देम ऑन अ रोड, मतलब अपने पीछे वो एक आवाज को सुनते हैं। प्रा प्रा मतलब किसकी आवाज थी, वो कार की आवाज थी। द नॉइजी लिटिल कार ओवरटूक देम एट अ हाई स्पीड, मतलब वो कार जब पूरी हाई स्पीड में आवाज करती है उनके आगे से निकलती है। हरी अप इट कॉल टू सुल्तान, वो मतलब जो अली होता है वो सुल्तान को कहते हैं हरी अप, जल्दी करो, यू विल नेवर रीच जिला एट द स्पीड, हरी अप इट कॉल टू सुल्तान, यू विल नेवर रीच जिला एट द स्पीड
एंड इट ड्रोव ऑफ डाउन द रोड. मीन्स कार एकदम उसके पास से तेजी से निकलती है और उस कैमल मैन को, मतलब जो कैमल होता है और उस कैमल को जो आदमी पकड़े होता है उसको, मतलब चिढ़ाती हुई कार उसके आगे से निकलती है कि जो तुम्हारी स्पीड है उस स्पीड से तुम कभी भी जिलाहा टाउन नहीं पहुंच सकते. ओके. अली एंड सुल्तान वॉक्ड ऑन फॉर सम टाइम. सून दे हर्ड प्रा प्रा प्रा. मीन्स जो फिर भी, लेकिन जो सुल्तान था और जो अली था वो धीरे धीरे चलते ही रहे, लेकिन एकदम से फिर उन्हें एक आवाज आई प्रा प्रा प्रा. ठीक है. द साउंड ऑफ अ कार हॉर्न वर सैड. अब वो कार की ही आवाज थी, लेकिन इससे में जो कार की आवाज थी वो थोड़ी डाउन थी, मतलब उसमें वो एनर्जी नहीं थी. अली एंड सुल्तान फॉलोड द साउंड एंड रीच द कार. मतलब अब वो अली और जो सुल्तान थे उन्होंने उस साउंड को, मतलब उस आवाज को फॉलो किया और कहाँ पहुंच गए, कार के पास पहुंच गए. द मैन इन द कार वॉज लुकिंग वेरी एंग्री. मतलब जो कार के अंदर आदमी बैठा हुआ था वो बहुत गुस्से में था. क्यों था गुस्से में? आई हैव रन आउट ऑफ पेट्रोल. मतलब उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया था. द कार एक्सप्लेन सडली. मतलब यहाँ पे जो ऐसा हमें ऐसे चैप्टर में बताया कि जो कार है वो सैड हो, मतलब सैड हो गई थी. अब किसी की भी उसके बॉडी से एनर्जी निकल जाएगी तो वो सैड ही हो जाएगा. इसी तरह कार में से जब पेट्रोल निकल गया तो वो कार सैड हो गई, मतलब बिल्कुल स्लो हो गई. अली कुड नॉट हेल्प द कार. अब जो अली था, ये जो अली था वो कार की हेल्प, मतलब नहीं कर सकता था, क्या करे, वो पेट्रोल तो उसमें डाल नहीं सकता था. बट लेकिन ही ऑफर टू टेक द मैन इन टू द टाउन ऑन हिज कैमल. बट उसने ऑफर किया कि मैं तुम्हें, जो कार का ड्राइवर था उसे, मैं तुम्हें अपने कैमल पे बिठा के अपने टाउन तक ले चलता हूँ. उसने ये ऑफर किया उसे. इट वॉज इवनिंग वेन अली सुल्तान एंड द मैन रीच द गेट्स ऑफ अ जिला. अब शाम, तीनों को पहुंचते पहुंचते शाम हो गई थी, मतलब जहां जिला उन्हें जाना था, अली सुल्तान और वो मैन शाम को जिला पहुंचे. बट द कार हैड टू स्पेंड द नाइट अलोन इन द डेजर्ट. अब वो कार जो इतनी ज्यादा प्राउड फील कर रही थी कि मैं सबसे पहले जिला पहुंच जाऊंगी और मैं, मतलब बहुत मेरे अंदर एनर्जी है, उस कार को पूरी रात अकेले डेजर्ट मीन्स रेतीले इलाके में बितानी पड़ी. इट लर्न दैट, इससे शिक्षा मिलती है दैट ऑल्दो द डेजर्ट इज हॉट बाय डे इट इज कोल्ड बाय नाइट. द मतलब सो इट मीन्स कि जो डेजर्ट होता है, जो रेतीला इलाका होता है, वो दिन में तो गर्म होता है, बहुत ज्यादा गर्म, और रात को ठंडा भी हो, मतलब रात को एकदम ठंडा हो जाता है. मीन्स हमें, मतलब प्राउड नहीं फील करना चाहिए. द लिटिल कार फेल्ट वेरी कोल्ड. अब जो कार थी उसे बहुत ज्यादा ठंड लगी. आई विश आई हैड नॉट बूस्टेड सो मच. अब कार को फील हुआ कि मुझे बहुत ज्यादा गरजना नहीं चाहिए था, अपने ऊपर प्राउड, अपने ऊपर घमंड नहीं फील करना चाहिए था. इट सैड सैडली. अब उसने ये फील किया, बोला वेन द सन रोज द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल कार फेल्ट वेरी लोनली. अब नेक्स्ट मॉर्निंग हुई, सन फिर से निकला, कार ने अपने आप को बहुत अकेला महसूस किया. बट सून जल्द ही सुल्तान एंड अली केम टू हेल्प द कार. अब जिनका उसने मजाक उड़ाया था वही सुल्तान और वही अली उसकी हेल्प करने के लिए आए. अली टाइड रोप टू द कार. अली ने इस तरीके से कार से रोप को बांधा एंड सुल्तान पुल्ड इट्स टूवर्ड जिलाहा. और जो सुल्तान जो सुल्तान था उसने कार को खींचना शुरू किया, किधर, जहाँ जिला, मतलब जो जहाँ टाउन था उसकी तरफ खींचना शुरू किया. द लिटिल कार सेड, जो कार थी वो बोल पड़ी प्रा प्रा इन थैंक्स. उसको उसने थैंक्स बोला. सो दिस इज योर चैप्टर. द मोरल ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, इट इज इम्पोर्टेंट टू बी प्राउड ऑफ आर सेल्फ. मतलब हमें अपने ऊपर, मतलब हमें कुछ आता है तो ठीक है, हमें कॉन्फिडेंट होना, एक कॉन्फिडेंस दिखाना वो एक अच्छी बात है, बट अपने ऊपर घमंड करना, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू रिमेम्बर नॉट टू बी प्राउड. मतलब हमें ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए. दिस विल मेक अस केयरलेस. मतलब ये हमें केयरलेस बनाती है हमें, ठीक है. एंड
एंड विल ऑल्सो स्टॉप अदर्स फ्रॉम बीइंग फ्रेंडली विद अस, मतलब इससे घमंड करने से हमारे दोस्त भी हमसे दूर चले जाते हैं. ओके, थैंक यू.